अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनफोर दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग अपना डिलीट शुदा डाटा किस तरह रिकवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों की फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल डिलीट हो गई है, चाहे वो आपके लैपटॉप से हुई है, हार्ड डिस्क से, SSD से, USB ड्राइव से, मेमोरी कार्ड से या फिर किसी भी डिवाइस से, तो आप लोग मिनी टूल डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और ये विंडोज़ और मैक दोनों के लिए अवेलेबल है। तो ये सॉफ्टवेयर आपका डाटा रिकवर कर सकता है आपकी डेस्कटॉप से, रिसाइकल बिन से या फिर किसी भी फोल्डर से। चाहे आपका डाटा डिलीट हुआ है, पार्टीशन फॉर्मेट हो गई है या फिर किसी भी तरह से लॉस्ट हुआ है, आप उसको आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं, जैसा कि वायरस अटैक, रॉ पार्टीशन, अगर आपकी पार्टीशन डिलीट हो गई है, हार्ड ड्राइव फेल्योर आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश कर गया है, हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई है, पार्टीशन लॉस हो गई है या फिर और कोई केस हो गया है, तो इसकी वजह से आप लोग अपने डाटा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग फ्री ट्रायल फॉर विंडोज़ वाले बटन पर क्लिक करके इसको आप लोग डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें। तो इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी हार्ड डिस्क की जो ड्राइव्स है वो यहाँ पर शो हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरी USB ड्राइव भी शो हो रही है। आप किसी भी डिवाइस से अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं या फिर आप स्पेसिफिक लोकेशन से भी डाटा रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन या फिर किसी फोल्डर से भी आप लोग डाटा रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइसेस यहाँ पर शो हो जाएंगी, जिसमें है मेरी हार्ड डिस्क और मेरी USB ड्राइव। तो मेरा डाटा USB ड्राइव से डिलीट हुआ है, तो मैं यहाँ से इसको रिकवर करना चाहता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर स्कैन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये स्कैनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ टाइम ले सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी फाइल्स उसमें मौजूद थी। यहाँ पर 4 से 5 मिनट वेट करें। आप किसी भी वक्त अपने स्कैनिंग प्रोसेस को पॉज या फिर स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर प्रीव्यू में अपनी लॉस्ट फाइल्स मिल जाएं, तो आप स्कैनिंग प्रोसेस को किसी भी वक्त स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जितनी फाइल्स रिकवर हो चुकी है वो यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये 100% स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर तमाम फाइल्स आ चुके हैं रिकवर होकर। अगर मैं यहाँ पर टाइप के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे तमाम फ़ोटोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, दूसरी फाइल्स जो कि इसने रिकवर की हैं। अगर मैं फ़ोटोज़ देखना चाहता हूँ तो फ़ोटोज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये तमाम फ़ोटोज़ आ चुकी हैं। आप यहां से इनका प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ताकि आप जो डाटा आप रिकवर करना चाहते हैं उसी को सेलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम फोटोज यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरी ऑडियो फाइल्स भी हैं, वीडियो फाइल्स भी हैं। आप लोग तमाम डाटा यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फोटोज को ही सिर्फ रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं इस वाले फोटोज वाले सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ सेव वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो इसकी मदद से आप लोग अपना डाटा बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।